वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने केस फर्स्ट की बात कर ली थी। इसमें बेसिकली तीन ही केस हैं बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के। अब हम बात करेंगे आज अपने केस सेकंड एंड केस थर्ड की। ठीक है बेटा, केस सेकंड एंड केस थर्ड की, क्लियर बेटा? इन केस को करने के लिए आपको थोड़ा सा पहचान होनी चाहिए। आपको पहले मैं इसको इंट्रो करा देता हूँ इसका, जैसे कि आपको बता देता हूँ वहाँ पर केस फर्स्ट की पहचान क्या होगी। अब बात करते हैं हम केस सेकंड की। पहले हम बात करते हैं बेटा केस सेकंड की। केस सेकंड में क्या होगा, देखो बेटा, जैसे कि वहाँ पर हमने बताया था कि अगर नया पार्टनर जो आ रहा है वो कितना हिस्सा ए से लेगा और कितना हिस्सा बी से लेगा, ये साफ साफ बता दें। लेकिन सम टाइम ऐसी प्रॉब्लम आती है, ये बताया ही नहीं जाता कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर से, जैसे कि नया पार्टनर सी आया, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं बेटा ए और बी। चलो एक काम करते हैं, इसको डेप्थ में समझते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं और इन्होंने सी को एडमिट करा बेटा, क्लियर? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं टॉफी वाला ही 10 टॉफी का प्रॉफिट होता है, क्लियर है बेटा? ये दोनों हम साथ साथ समझ लेंगे यहीं पे। 10 टॉफी का प्रॉफिट होता है बेटा। जब 10 टॉफी का प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे ये नहीं बताया गया और सी जो आ रहा है ये बता दिया। सी को 4 टॉफी चाहिएगी। सी को कितनी टॉफी चाहिएगी बेटा? 4 टॉफी। ये तो 4 टॉफी ले गई मानेगा जी, लेकिन ये नहीं बताया 4 टॉफी ए कितनी देगा इसको और बी कितनी देगा। समझ आ रही है बात भाई? जैसे कि हमने लास्ट सिचुएशन बनाई थी, वहाँ पे हमने बताया था ए और बी, ए को 5 टॉफी, बी को 5 टॉफी मिलती थी। इन्होंने एडमिट करा था सी को। किसको एडमिट करा था? सी को। और सी को हमने बताया था ए देता है कितने से? 2, और बी कितना देता है? 2। तो सी के पास टोटल कितनी हो गई थी? सी के पास टोटल 4 टॉफी हो गई थी, क्लियर? ठीक है बेटा, ये बात हमने देख ली थी। लेकिन यहाँ पे देखो समस्या क्रिएट होगी। ये इस टाइप में केस सेकंड में और केस थर्ड में ये बात नहीं बताई जाएगी कि ए ने कितनी दी और बी ने कितनी दी। हाँ, ये ज़रूर बताया जाएगा केस सेकंड में भी और केस थर्ड में भी कि सी को कितनी मिलेंगी। सी को मिलेंगी 4 टॉफी। टोटल प्रॉफिट कितने होता था? 10 टॉफी का। टोटल प्रॉफिट 10 का होता था, यही बता देंगे। ए कितना लेता था पहले, बी कितना लेता था, ये बता देंगे कि सी कितना लेगा। लेकिन ए से कितनी लेगा और बी से कितनी लेगा ये नहीं बताया जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब बात आती है कि सर पहचान करना सीख लिया, और एक बात ध्यान रखना, केस थर्ड में भी यही पहचान होगी सेम ऐसी, ठीक है? केस थर्ड में भी यही बात होगी, लेकिन डिफरेंस कैसा करोगे केस सेकेंड केस थर्ड में, मैं बताता हूँ। अब मैं इसको बुक के हिसाब से बता देता हूँ, ये तो ट्रॉफी के हिसाब से एग्जांपल हो गया। केस सेकंड और केस थर्ड ध्यान रखना क्या गिवन होगा आपको, पहचान कैसे करेंगे गिवन देखना। इसमें दिया हुआ होगा ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर एंड न्यू रेशो, न्यू शेयर कह सकते हैं, न्यू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, सिर्फ ये गिवन होगा। जैसे कि ए और बी दो पार्टनर थे, इनका रेशो 2:3 था और सी एडमिट हुआ 1/4 के लिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी केस सेकंड में। लेकिन केस थर्ड में क्या होगा? यही गिवन होगा जी, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो भी गिवन होगा ऑफ ओल्ड रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर। और क्या गिवन होगा जी? शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ये भी गिवन होगा। सर ये तो दोनों बातें यहाँ पे भी गिवन है, तो ये पहचान कैसे करेंगे? यहाँ से करेंगे जी, पहचान यहाँ से होगी। यहाँ पे होगा फ्यूचर रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर, ये भी गिवन होगा इसमें। तो यहाँ पे कैसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है? ऐसी गिवन होगी बेटे, ए और बी का ओल्ड रेशो था जैसे 2:3, सी एडमिट हो रहा 1/4 के लिए। यहाँ तक सेम, यहाँ तक केस सेकंड, ये केस थर्ड। लेकिन केस
केस सेकंड है यहाँ तक तो दोनों में ही, लेकिन केस थर्ड में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, जब कह देगा कि फ्यूचर रेशो ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 1:1, यानी कि फ्यूचर रेशो दे दे किसका, ओल्ड पार्टनर का, तो ये केस थर्ड हो जाएगा। आई थिंक आप केस सेकंड और केस थर्ड में डिफरेंस करना सीख गए हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं और ज़्यादा डिफरेंस समझने के लिए। लो जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है, वन है केस सेकंड का। केस सेकंड को देख लेते हैं बेटा। इसने कहा एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर हैं, 5:3, 2 के रेशो में। इन्होंने एडमिट करा बेटा ए को कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, सही है जी। और कह रहा न्यू प्रॉफिट चाहिए। सो अच्छा बताओ बेटा केस कौन सा, केस सेकंड ये तो हुआ ना, ओल्ड रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर गिवन है, और क्या गिवन है, न्यू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, बस इतना गिवन है। ठीक है, तो केस सेकंड है, ठीक है सर। तो कैसे करते हैं बेटा, इसका एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा आपको, और आप ऐसे ही इसको करोगे। आप करोगे लेट द टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, फिर आप निकालेंगे बेटा रिमेनिंग, क्या निकालेंगे बेटा रिमेनिंग, रिमेनिंग कर लेंगे 1 माइनस 1/5, 1/5 आ जाएगा बेटा घटा के 4/5। ठीक है, यहाँ तक सेम प्रोसीजर। आपको हर सवाल में जब भी आप केस सेकंड देखो तो आपको लेट द टोटल शेयर इज इक्वल टू 1 मानना है, फिर रिमेनिंग निकालना है। रिमेनिंग क्यों निकालते हैं ये भी मैं बताऊंगा, लास्ट टॉपिक में बताना, शायद आपको स्किप कर गया, मैं अभी बताता हूँ आपको। अब क्या निकालना है बेटा, एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर निकालना है बेटा, सॉरी हमारे क्वेश्चन में कौन है, एक्स, एक्स न्यू शेयर, वाइज न्यू शेयर और जेड्स न्यू शेयर, और कौन निकालना बेटा, एज शेयर, न्यू तो दे ही रखा है इसका 1/5। आप इनको ऐसे लिख लेंगे, बात समझ में आ रही बेटा। हाँ जी सर, यहाँ तक तो समझ में आ रही है। पहले टोटल शेयर 1 मानना, रिमेनिंग जितना भी नया पार्टनर आएगा इसका, उसका जितना मिलेगा उसे घटा देना, घटा के जो बचेगा न्यू पार्टनर के बीच में लिख देना, 4/5, 4/5, 4/5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? इसके सामने लिखना है कि नहीं जी? बिल्कुल नहीं लिखना, सिर्फ ओल्ड पार्टनर में लिखना। अभी बताता हूँ इसका लॉजिक, ठीक है? पहले आप इसको ऐसे ही देख लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर देना, आपको किस में मल्टीप्लाई कर देना जी, याद रखना कीवर्ड मेरा, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दो रिमेनिंग को। ओल्ड रेशो कितना, 5/3/2, यानी कि एक्स का 5/3/10, 3/10 और 2/10, तो रेशो आ जाएगा 5×20, 5×50, 4×3/12, 5×50, 4×2×8, 5×50, क्लियर जी? न्यू का पार्टनर कितने का है, न्यू का है जी 1/5, कितना है बेटा 1/5। तो हमें तो इसका सिर्फ डिनोमिनेटर सेम बनाना, तो किस चीज़ से गुणा कर दी जाए सर, 10 से कर दो तो इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा 10/50। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा, न्यू पी एस आर होगा बेटा 20 छूट गया, 20, 12, 8 और 10। अब ये किसी चीज़ से करते हो तो इनको काट लेते हैं बेटा, 2 से कट जाएंगे, 2×20, 2×6 12, 2×4 8, 2×5 10, यही क्या होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। बात करते हैं सेक्रीफाइस रेशो, किसमें सेक्रीफाइस रेशो, ये भी आप याद रख सकते हैं। जैसे वहाँ पे केस फर्स्ट में किसके बराबर होता है, टेक रेशो के, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सेक्रीफाइस रेशो इक्वल टू, इक्वल होता है हमेशा ओल्ड रेशो के, ठीक है बेटा? ये याद रखना, सेक्रीफाइस रेशो इक्वल होता है ओल्ड रेशो के, चाहे आप घटा के देख लेना, सेक्रीफाइस रेशो निकालना भी सिखाऊंगा मैं आपको, हमेशा इक्वल होता है ओल्ड रेशो के, ठीक है जी? 5×3×2, तो अगर जिसमें केस सेकंड में हम ओल्ड सेक्रीफाइस रेशो निकालें तो यही आएगा 5×3×2। खैर, हम बात कर रहे थे आपके एक केस की,
और केस था आपका थर्ड। ध्यान रखना केस सेकंड और केस थर्ड में मैंने आपको जैसे बताया था कि बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि वहाँ पे भी जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, इसका क्वेश्चन है इसका ये रहा 9th का 6th पार्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9th का 6th पार्ट है, इसको भी देख लेते हैं। इसने कहा ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशो 3 और 2 है। सी एडमिट हुआ कितने के लिए जी, 1/4 के लिए। अगर मैं इतना ही नोट करूं अगले क्वेश्चन ना पढ़ूँ तो कौन सा केस है? आप कहोगे सर केस सेकंड है, ओल्ड रेशो का ओल्ड पार्टनर गिवन है और सर न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, तो क्या है ये आपका केस सेकंड तो है, लेकिन केस थर्ड में कब कन्वर्ट हो जाएगा? ये केस थर्ड में कन्वर्ट जब हो जाता है जब मैं आगे पढ़ूँ, कहता है ए एंड बी डिसाइड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। तो ए और बी का फ्यूचर रेशो गिवन हो गया जी, वो कितना दे दिया 1:1। तो सर ये तो कन्वर्ट हो गया जी केस थर्ड में। जैसे ही केस थर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो जितना थोड़ा सा चेंज है तो ऐसे ही थोड़ा सा चेंज हम यहाँ पे करेंगे, वैसे ही करेंगे बेटा। लेट द टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, फिर क्या निकाल लेंगे बेटा, उसके बाद निकाल लेंगे रिमेनिंग। रिमेनिंग कैसे निकालते हैं, 1 माइनस 1/4 जितने के लिए आ रहा, 1/4 के लिए। तो रिमेनिंग कितना आया बेटा, 3/4। किसका निकालना है बेटा मैं, एज न्यू शेयर, और किसका निकालना जी बीज न्यू शेयर, जब ए का और बी का तो निकालना और सीज शेयर, ऐसे इनको लिख लेना है। क्या यहाँ तक कुछ चेंज है इसमें? नहीं, आपने कहा था सर लेट द एक मानना है, इसमें भी एक मानना, रिमेनिंग जो नया पार्टनर का हिस्सा वो घटा दिया, यहाँ पे भी घटा दिया, उसके बाद एक्स का वाई का जेड का तो जो रिमेनिंग था वो लिख दिया। लो जी मैंने भी लिख दिया रिमेनिंग यहाँ पे कितना जी, 3/4 3/4 ठीक है जी। जितने पुराने पार्टनर थे उनके सामने रिमेनिंग लिख दिया, यहाँ पे तीन ओल्ड पार्टनर तीन थे तो तीनों के सामने रिमेनिंग लिख दिया, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर दो थे तो दोनों के सामने रिमेनिंग लिख दिया। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किस चीज़ से की बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करी ओल्ड रेशो से, किससे मल्टीप्लिकेशन करी जी ओल्ड रेशो से। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे जो बटेंगे इसको ध्यान रखना, यहाँ पर बटेंगे बेटा फ्यूचर रेशो से, यही डिफरेंस है और यही चेंज है ठीक है जी, यही डिफरेंस है और यही चेंज है। किससे बटेंगे जी फ्यूचर रेशो में, फ्यूचर रेशो कितना जी 1:1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2, और यहाँ पे सी का शेयर कितना दे रखा जी 1/4। इसे सोल्व आउट करेंगे, 3 एकम 3 4 दूनी 8, 3 एकम 3 4 दूनी 8, और इसे मुझे 8 बनाना, तो किससे गुना कर दो 2 से, 2 एकम 2 4 दूनी 8, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 3:3:2, क्या हो जाएगा बेटा 3:3:2, यही आंसर है। अब बात आती है सर सेक्रीफाइस रेशो की, तो सेक्रीफाइस रेशो बेटा, सेक्रीफाइस रेशो नो शॉर्टकट, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें यू हैव टू कैलकुलेट, तुम्हें कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बात करते रहे थे हम एक छोटी सी बात की कि सर हमने यहाँ पर रिमेनिंग क्यों निकाला, रिमेनिंग इसलिए निकालते हैं बेटा, जैसे कि लास्ट पेज पे चलते हैं हम, देखिए बेटा क्यों हमने वहाँ पर रिमेनिंग निकाला, ये हम समझ रहे थे एग्जांपल के लिए कि ए और बी दो पार्टनर है, सी पार्टनर एडमिट हुआ, ए और बी को कितनी ट्रॉफी मिलती थी सर, 5 5 ट्रॉफी मिलती थी, टोटल 10 ट्रॉफी थी ठीक है जी, टोटल 10 ट्रॉफी थी। सी कितनी लेगा, सी 4 लेगा पहले ही बता दिया, लेकिन ए से कितनी लेगा बी से कितनी लेगा ये पता नहीं, तो हमारे पास क्या तरीका है, टोटल 10 ट्रॉफी होनी है मैं बताऊँ, तो हमें टोटल 10 ट्रॉफी है हमारे पास, तो 10 में से मैं 4 दे दूँ सी को, क्योंकि पक्का आना एक तरह से गारंटी होगी सी को कि सी को तो 4 ट्रॉफी मिलनी मिलनी, जैसे हम गारंटी में भी करते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, जब हमें पास हमें पता होता था इसे इतनी मिलना ही मिलना प्रॉफिट 10,000, तो वहाँ से 10,000 उसको पहले देकर माइनस कर देते थे ना, तो इसलिए हम यहाँ शेयर कर देते हैं 10 ट्रॉफी का प्रॉफिट होना, 4 सी को देनी देनी, कितनी बचेंगी 6, तो 6 को ही कौन बांट लेंगे, ये 6 को ही बांट लेंगे ए और बी,
तो एक केस थर्ड बन गया आपका। केस कौन सा बन गया जी? थर्ड। कौन सी रेशो में बांट लेंगे? जब कुछ नहीं बताया तो पुराने रेशो में बांट लेंगे। सपोज करो पुराना रेशो का 2:3 था, तो जब कुछ नहीं बताया तो ये लड़ेंगे 6 टॉफी को, ये कितनी लाए हो कितनी लाए, दो दो और तीन में, तो बस 2 टॉफी वो ले लेगा, 3 टॉफी ये ले लेगा। क्लियर है जी? समझ आ रहा है? तो केस थर्ड है। अब सॉरी, केस सेकंड है। केस सेकंड में तो होता था ना ये। केस थर्ड में क्या बताया मैंने आपको? केस थर्ड में फ्यूचर रेशो गिवन होता है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि ए और बी दो पार्टनर हैं, 5-5 टॉपी उन्हें मिलती थी, सी 4 लेकर आया, आपका टोटल 10 है, तो टोटल में से तो टोटल 10 टॉपी का प्रॉफिट होना, 4 सी को देनी देनी, तो बची कितनी? 6। 6 किसकी बची है? 6 6 ए और बी की तो बची ना बेटा, ए और बी को बांटनी। लेकिन यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती, इसलिए हम ओल्ड रेशो में बांट लें, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर रेशो गिवन हो गया कि आगे चल के सी के एडमिट होने के बाद ए और बी एग्जाम्पल के लिए 1:1 होंगे, यानी कि इक्वल ही होंगे। तो यानी कि 6 जो बची ये कौन से रेशो में बटेंगे बेटा? फ्यूचर रेशो में। तो 1:1 का मतलब 3 टॉपिक, 3 टॉपिक इसको। इसीलिए हमने क्या करा था बेटा इस टॉपिक में, अपने केस सेकेंड में और केस थर्ड में, यहाँ पर तो ओल्ड रेशो में बटा था, और यहाँ पर जो बटा था ये कौन से रेशो में बटा था बेटा? यू कैन सी हेयर, इसे फ्यूचर रेशो में बटा था और इसको ओल्ड रेशो में बटा था। तो कीवर्ड यहाँ पर यही है, करने का मेथड में कोई अंतर नहीं है, और केस में भी क्वेश्चन को पिछाने में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्लियर है? आई होप आप समझ गए होंगे। आप इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक हैं, सारे कंप्लीट करने हैं आपको। सेक्रीफाइस रेशो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से क्या होता है सेक्रीफाइस रेशो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।